बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? प्रणाम। टुडे वी विल स्टार्ट अवर डे विद श्लोका, सो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देव देव। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, डिवीजन। आज से हम हमारा चैप्टर नंबर 2 डिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आप सबको आने चाहिए वो है डिवीजन के लिए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आने चाहिए वो है आप लोगों को टेबल्स। वो आपको क्या आने चाहिए? टेबल्स। आप लोगों को टेबल 1 से 10 तक के अच्छे से लर्न करने, विदाउट टेबल्स यू कांट डू मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। ओके, सो प्लीज लर्न एंड लर्न टेबल्स। आप सबको एवरी डे टेबल्स लर्न करने ही करने हैं। डिविजन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग का क्या मतलब है? इक्वल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि हर एक चीज हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयरिंग करें मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 8 कैंडीज। कितनी कैंडीज हैं हमारे पास? 8 कैंडीज, एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 चिल्ड्रन। हम 2 चिल्ड्रन के, एक यहाँ पे है 1 और एक यहाँ पे है 2, उसको 8 कैंडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वो दोनों को 1-1 दे देंगे। फिर कितनी बच गई? यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 - 2 = 6। 1-1 दे दी मतलब 2 दे दी, फिर अगेन हमने 1-1 दे दी। सो 6 - 2 = 4। नाउ फिर से अगेन 1-1 दे दी, सो 4 - 2 = 2। अगेन हम 1-1 दे रहे हैं, तो 2 - 2 = 0। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 कैंडीज हैं, इसको यहाँ पे तो हर एक स्टूडेंट को कितनी मिली? 1, 2, 3, 4। इसको भी 4 और इसको भी 4। दोनों चिल्ड्रन के बीच में हमने 4-4 कैंडीज हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। ओके, तो हम ऐसे रिपीटेड एडिशन से भी कर सकते हैं। 8 - 2 = 6, 6 - 2 = 4, 4 - 2 = 2, एंड 2 - 2 = 0। तो ये था इक्वल शेयरिंग। ओके, हम ये इक्वल शेयरिंग हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। एक और वे है, 8 डिवाइड बाय, कितने चिल्ड्रन थे? 2 चिल्ड्रन थे ना। सो 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। सो हियर इज 2 4 8। ओके, सो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे भी हो गए 1 2 3 4 4 4, और ये भी करेंगे तो 1 2 3 4, 4 times 1, तो कोई भी वे से कर सकते हैं। ये वे 1 नंबर का वे, ये रिपीटेड सबट्रैक्शन वाला वे, और या तो डायरेक्ट डिवीजन वाला, या तो हम ये भी हो सकता है 4 × 2 = 8। देयर इज द रिलेशन बिटवीन द, ये क्या हुआ? रिलेशन बिटवीन द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये रिलेशन है, 2 × 4 करेंगे, ओके, तो भी 8 आएगा, और 4 × 2 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो ये है रिलेशन बिटवीन द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपको टेबल्स आते हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल मल्टीप्लीकेशन, एंड इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल मल्टीप्लीकेशन, देन यू गेट द डिवीजन वेरी इजीली। ओके, सो फॉर दैट मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू मस्ट हैव टू लर्न टेबल्स। ओके, आप सबको टेबल्स लर्न करने हैं। तो आप सबको समझ में आया डिवीजन में सबसे पहले हमने क्या सीखा है? इक्वल शेयरिंग, हम इक्वली शेयर कर रहे हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव अ 6 पेंसिल और मेरे पास 3 स्टूडेंट्स है। 6 पेंसिल है, ओके, मेरे पास
कितनी पेंसिल्स हैं? 6। सो यहाँ पे 6 पेंसिल्स करते हैं और यहाँ पे है 1, 2 और 3, 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो एक को 1 1 दे देंगे। अब 6 माइनस 3 तो कितनी बच गई हमारे पास, 3 बच गई। अगेन 1 1 दे देंगे तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0। तो हर एक को कितनी मिल गई, 1 2 1 2 1 2, मतलब सबको 2 2 मिल गई। और यहाँ पे भी तो यही हुआ ना, 2 बस है। और ऐसे भी तो हो सकता है ना, 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 1 3 3 2 6, तो भी हमें 2 ही आंसर मिलेगा। सो ये था रिपीटेड सबट्रैक्शन, ये था इक्वल शेयरिंग और हियर इज द डिवीजन। ओके, हमें डिवीजन में यही सब सीखना है। सो एवरीवन गेट माय पॉइंट कि डिवीजन में क्या होता है, बहुत इजी होते हैं बट यू मस्ट लर्न टेबल्स। ओके, सो हम इसकी एक्सरसाइज थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर दें। ओके, नाउ हमारी यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉरी फर्स्ट वन एक्सरसाइज है फ्रॉम बेस नंबर 177, डिवाइड द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे स्मॉल स्मॉल डिवीजन ही करने हैं, बहुत इजी डिवीजन होते हैं। इफ यू नो द टेबल यू कैन डू इट वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। ओके, अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्राइंगल्स, उसको 4 पीपल्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 1 4 4 2 8, सो 4 2 8 हो गया, 4 2 8। ओके, यहाँ पे है 4 multiplied by 2 is equal to 8, इट्स इजी। नाउ हियर इज 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लावर्स आर देयर एंड डिवाइड बाय 3, 3 पीपल्स को हम इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं। तो 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 1 3 3 2 6। नेक्स्ट देयर आर 10 बॉल्स, हियर इज अ 10 बॉल्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 5 पीपल्स। सो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 5 2 10, अगेन 2। यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 फ्रूट है और वही यहाँ पे 2 पीपल के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14, हो गया 2 7 1 4 14, इट्स इजी। तो ये होते हैं डिवाइड द फॉलोइंग, बहुत इजी होते हैं। ओके बच्चों, आपको सिर्फ टेबल्स जैसे कि हम डॉजिंग टेबल्स जैसे कितने इजीली कर लेते थे, 5 2 10, 3 5 15, 7 5 35, 8 5 40, 5 9 45। ओके, तो यही हमें जितने इजीली फटाफट डॉजिंग टेबल्स आ जाएंगे ना, उतनी जल्दी हम डिवाइड कर पाएंगे। ओके, Now, here is, encircle the group of 2 and complete the division problem. Okay, यहाँ पे 2 के groups बनाने हैं हमें, सबसे पहले group बनाने हैं 2 के। So, ये 1 2 1 2, ये 1 2 और ये 1 2। Okay, अब total कितने balls हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और कितने के ग्रुप बनाने थे, 2 के, सो डिवाइड बाय 2। अब कितने ग्रुप्स बन गए, 1 2 3 4, और ये भी तो हो सकता है ना कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, दोनों तरह से करेंगे आंसर सेम ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से भी 2 ही करने हैं ग्रुप्स, तो ये है 1 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, और ऐसे भी हो सकता है स्लीपिंग और स्टैंडिंग में भी, दोनों वे से ग्रुप बन सकते हैं। सो यहाँ पे डिवाइड बाय 2, टोटल ट्राइंगल है 4। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 1 2 2 2 4, और कितने ग्रुप है, 1 एंड 2, तो हियर इज अ 2। ओके, सो नेक्स्ट है हाउ मेनी बटरफ्लाईज आर देयर, 1 2 3 4 5 6, सो वी कैन पुट हियर 6,
and we have to make two groups. So 1 2 1 2 and 1 2. So divide by 2. और 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. Now, अब यहाँ पे कितने ग्रुप्स है? 1 2 3. सेम. अब कोई भी वे से करोगे आंसर सेम ही रहेगा. ओके, बट ये ट्रिक ना, अगर स्मॉल स्मॉल काउंटिंग है तो हम फटाफट काउंट कर सकते हैं, अगर ज्यादा काउंटिंग है तो हमें जो टेबल्स है ना वही इजी रहते हैं. ओके, यहाँ तो ये 1 2 3 4 5 है, तो वी कैन सी एंड वी कैन इमेजिन, हाँ बस ये इतने ही है. हम समझ भी सकते हैं कि हाँ ये 4 ग्रुप्स है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, यहाँ पे 2 ग्रुप्स है. अगर मल्टीपल ग्रुप्स होंगे तो यू हैव टू नो द टेबल्स, विदाउट टेबल्स यू कांट डू. ओके ना बच्चों, जैसे अभी हमने ग्रुप बाय 2 किए हैं, लाइक वाइज हम करेंगे ग्रुप ऑफ 3 एंड कंप्लीट द डिविजन. तो 3 के ग्रुप बना के हमें सर्कल बनाना है. सो हियर इज अ 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3. ओके, नाउ यहाँ पे कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी विल राइट हियर 9. 3 के ग्रुप्स है सो डिवाइड बाय 3. और कितने ग्रुप्स बन गए हैं? 1 2 3. और यू कैन से 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 1 3 3 2 6 3 3 9. ओके, नाउ हियर इज अ बॉल. सो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3. अब कितने ग्रुप्स है? 1 2 3 4. सो 12. और कितने हुए हैं यहाँ पे ग्रुप करने हैं? 3 के 4 ग्रुप्स. और यू कैन से 3 के टेबल में 12 का बात है. सो 3 4 12. सो यू कैन से 3 4 12. और 3 के टेबल में 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड 3 4 12. हो गया. अब अगेन यहाँ पे 3 का ही ग्रुप बनाना है. सो 1 2 3, तो एक ही ग्रुप बन रहा है भाई. तो 3, यहाँ पे 3 एक ही ग्रुप है, तो 1 3 1 3 हो गया. 3 1 3. अगर एक ग्रुप बन रहा है दैट्स फाइन, बन भी सकता है, इसमें कोई वरी नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इट्स इजी. 3 1 3. तो ये थे ग्रुप ऑफ 3. नाउ हमारा नेक्स्ट है एंड सर्कल द ग्रुप ऑफ 5 एंड कंप्लीट द डिवीजन प्रॉब्लम. सो अब यहाँ पे हमें 5 के ग्रुप्स बनाने हैं. 1 2 3 4 5. सो हियर इज अ ग्रुप 1. एक ही ग्रुप बन रहा है यहाँ पे. ओके, सो 5 डिवाइड बाय 5, क्योंकि टोटल 5 है और हमें यहाँ पे बनाना कितना है, यहाँ पे भी 5 है. 5 के टेबल में 5 कब आता है? 5 1 5. ग्रुप भी बन गया है 1. जितने ग्रुप बनते हैं यहाँ पे वो आंसर होता है. ओके, सो हियर इज अ स्टार्स 1 2 3 4 5. 1 ग्रुप 1 2 3 4 5. ग्रुप नंबर 2 अगेन 5. सो 3 ग्रुप्स बन गए. टोटल कितने हैं? 5 प्लस 5 प्लस 5 15. और कितने ग्रुप बनाने हैं? 5 के. तो 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 1 5 5 2 10. 5 3 15. तो 5 3 15 और 3 के ग्रुप बन, 3 ग्रुप्स बन गए हैं. Then, here is a balloon. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, we will write here 10. 5 के ग्रुप बनाने हैं. So, ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2. अब, 5 के हैं ग्रुप बनाने. तो, 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5, 1, 5, 5, 2, 10. So, यहाँ पे कितना हुआ? 5 2 10 and 1 and 2 groups are there. Okay, तो अभी हमने group by 2, group by 3, group by 5 इस तरह से हमने group बनाए हैं और इस तरह से हमने equal sharing करने भी सीखे हैं. So everyone understand very well. Now our next topic है division as repeated separation. अभी हमने divide तो following तो किए थी,
जो टेबल का यूज करके किए थे राइट। अब हमें करने हैं डिवीजन यूजिंग रिपीटेड सेपरेशन। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन का रिलेशन किया था, लाइक वाइज रिपीटेड सेपरेशन और डिवीजन का रिलेशन होता है। रिपीटेड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का होता है और रिपीटेड सेपरेशन और डिवीजन का रिलेशन होता है। और एक और रिलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में, वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी हमने रिपीटेड सेपरेशन के लिए, अच्छा मेरे पास है 10 चॉकलेट्स, अब मुझे टू चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो 10 डिवाइड बाय 2 कितनी है 8। मैं क्या करूंगी, हर एक 10 पे उसको 1-1 लेती जाऊंगी। सो 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। अब मेरे पास 8 बच गई है, सो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। फिर मैंने 1-1 दी, यहाँ पे भी 1-1 दी। ओके अब मेरे पास 6 बच गई है। अब नाउ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे भी मैंने 1-1 दी। नाउ 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी मैंने 1-1 दे दी। नाउ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 टाइम रिपीट हुआ। सो क्या होता है यहाँ पे आंसर, 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। और ये भी तो हो सकता है ना कि 2 के टेबल में 10 का पता है, 2 5 10। ओके 1 2 3 4 5, ईच वन गेट 5 चॉकलेट्स। ये हमारा रिपीटेड सेपरेशन, द रिलेशन बिटवीन द रिपीटेड सेपरेशन एंड डिविजन, ये है इक्वल शेयरिंग जो हम रिपीटेड सेपरेशन से कर रहे हैं। ओके चलो अब हम यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स कर लेते हैं यूजिंग रिपीटेड सेपरेशन। ओके सो हियर इज द 8 फ्रॉम 24। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 24 दिए हैं और उसको 8 के बीच में शेयरिंग करने हैं। सो 24 माइनस 8। अब 24 से हम बैकवर्ड काउंटिंग करके 8 माइनस कर लेंगे, 24 बिफोर हम 8 सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं 23 22 21 20 19 18 17 and 16. So we will write here 16. Now 16 minus 8, अब कैसे करेंगे, 16 से 8 तक बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे हम, 15 14 13 12 11 10 9 8। Now 8 minus 8, 8 में से 8 गया तो 0। अब हम ऐसे कर सकते हैं 24 divided by 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 8 के टेबल में 24 कब आता है, 8 ones are 8, 8 twos are 16 and 8 threes are 24। ओके कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 2 and 3 टाइम। सो हियर इज अ 3। आप दोनों क्रॉस चेक कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे 3 टाइम रिपीट हुआ है और ये पे है 8 threes are 24। ओके हमारा नेक्स्ट सम है 7 from 28, 28 minus 7। 28 से बैकवर्ड काउंटिंग 7 तक करेंगे हम, 28 before 27 26 25 24 23 22 21 now 21 minus 7, 21 में से 7 गया तो 20 19 18 17 16 15 14 14। 14 माइनस 7 करेंगे तो 14 में से 7 गया तो 13 12 11 10 9 8 7। नाउ 7 माइनस 7 0। अब हम करेंगे 28 divided by 7, 7 के टेबल में 28 कब आता है, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 7 fours are 28, 7 fours are 28, so here is a 1, 2, 3, 4, 4 steps बन गए and here is the 4 answer, okay, so ये हम cross check कर सकते हैं division और ये है repeated subtraction, okay, next है
9 from 36. So 36 minus 9. 36 से 9 backward counting करेंगे. 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27. 27 माइनस 9 करेंगे तो 27 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा 26, 25, 24, 23, 22, 22, 20, 21, 20, 19 and 18. So we will write here 18. Now 18 में से 9 गया तो 18 से 9 backward counting करेंगे हम. 18 में से 9 गया तो क्या करेंगे 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 and 9. And 9 minus 9 is equal to 0. कितने time steps repeat हुए 1, 2, 3, 4. So 36 divide by 9 is equal to 4. So 9 के टेबल में 36 कब आता है 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36. Then आप सबको क्लियर हो गया डिविजन एज अ रिपीटेड एडिशन. यहाँ पे हमने डिविजन किए और यह एज अ रिपीटेड एडिशन, सॉरी रिपीटेड सबट्रैक्शन. डिविजन एज अ रिपीटेड सबट्रैक्शन. ओके ओके, पेज नंबर 180 में हमारी बहुत इजी वाली एक्सरसाइज है. पुट द डॉट्स ऑन द बटरफ्लाई विंग्स व्हिच डिवाइड्स गिवन नंबर इक्वली. ओके, यहाँ पे जो बीच में जो सेंटर में हमें नंबर दिए है ना उसको इक्वली शेयरिंग यानी कि इक्वल शेयरिंग करते हैं, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2. ओके, उसको करके हमें डॉट्स बनाना है. बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मुझे पता है आप सबको बहुत अच्छी लगती है, राइट. अब यहाँ पे है 16, अब 16 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 के टेबल में 16 कब आता है 2 8 जा. तो दोनों साइड हमें 8 8 डॉट्स ड्रॉ करने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों साइड इक्वल ही डॉट्स ड्रॉ करने हैं. 10 2 के टेबल में 10 कब आता है 2 5 सा 10. सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया. नेक्स्ट है 8. अब 2 के टेबल में 8 कब आता है सो 2 4 सा 8 1 2 3 4 1 2 3 4. सो अब अगर काउंट करो तो टोटल 8 ही हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. And here is a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हो गए total 10 और equal share भी हो गए. मस्त activity है ना, I know आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी. ओके ओके, यहाँ पे है division using number line. मुझे पता है आप लोग तो आप सब लोगों को number line बहुत अच्छी लगती है, right? हमने addition में भी की थी, subtraction में भी, multiplication में भी and division में भी. बहुत अच्छा लगता है ना आपको ऊपर लाइंस ड्रॉ करना, है ना. तो यहाँ पे है 15 डिवाइड बाय 5. तो 5 के ग्रुप बना के हमें 15 तक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. सो हियर इज 0 से 5 का 1 ग्रुप, अब 5 से 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे दूसरा ग्रुप और हियर इज अ 15 तक और 5 का 1 2 3 4 5. यहाँ पे कितने ग्रुप्स बन गए हैं 3. सो 5 ये भी तो हो सकता है ना 5 3 सा 15 और 5 के टेबल में 15 कब आता है 5 3 सा 15. इजी, और नंबर लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली है. दूसरा है 18 डिवाइड बाय 3. अब 18 में 3 3 के ग्रुप्स बनाने हैं हमें. सो हियर इज 0 से 3 का 1 ग्रुप, 3 से प्लस 3 4 5 6. नाउ 6 प्लस 3 7 8 9. देन 9 प्लस 10 11 12 4 नंबर वाला ग्रुप, 13 14 15 फिफ्थ नंबर वाला ग्रुप
and 16, 17, 18. Sixth number wala group. Sixth group ban gaya 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 3, 6 are 18. 3 ke table mein 18 ka bata hai. 3, 6 are 18. Aise bhi ho sakta hai. Number line draw kar pe bhi ho sakta hai. अच्छा आज हमने डिवीजन में क्या क्या सीखा. आज हमने डिवीजन में सबसे पहले डिवाइड टू फॉलोइंग, जो हमने सिंपल डिवीजन सीखे है सबसे इजी, कि भाई ये टेबल में क्या आता है, 5 के टेबल में 10 कब आता है, ऐसे वाले बहुत इजी इजी वाले. इक्वल शेयरिंग सीखे. फिर हमने सीखा है ग्रुप, ग्रुप करना सीखा है. ओके, ग्रुप बाय 2, ग्रुप बाय 3, ग्रुप बाय 5. फिर हमने सीखे हैं रिपीटेड सबट्रैक्शन, डिवीजन एज अ रिपीटेड सबट्रैक्शन. फिर हमने एक बहुत अच्छी डॉट डॉट वाली हमने एक्टिविटी की है, देन डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन. ये था लास्ट डिवीजन यूजिंग नंबर लाइन. तो ये सारे टॉपिक्स आप सब लोगों को यहाँ पे नोटबुक में, सॉरी टेक्स्ट बुक में, यानी कि ये लॉन वेल में और एक्टिविटी बुक में, और आपको जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें, उन तीनों में आप सबको इसके रिलेवेंट में आपको जो भी एक्सरसाइज दूंगी वो आप सबको फिनिश करनी है. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.